पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद आम चर्चा है कि मोदी का जादू पहले जैसा नहीं चल रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा की सीटें घटेंगी और कांग्रेस की बढ़ेंगी। इसके बावजूद यह भी माना जा रहा है कि सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही बनेगी। पांच राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां कांग्रेस में खुशी और उत्साह का माहौल है, वहीं भाजपा में कौतूहल बना हुआ नजर आ रहा है। भाजपा में 160 क्लब एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। इस बार अगुआ बने हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। वे हमेशा अपने लक्ष्य को देखते रहते हैं और उनकी ताकत संघ से आती है। देश में एक अवधारणा बनी हुई है, भाजपा में रहकर वही राजनीति में सफल होता है जिसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन है, जो महज एक अवधारणा ही है और शायद सच्चाई से काफी परे है। वास्तविकता ठीक उसके विपरीत है। ऐसा भी नहीं है कि संघ के विरोध के बाद आप भाजपा में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही नेताओं में से भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी संघ को कुछ खास नहीं भाती। 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी को संघ को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब भाजपा में एक बड़ी तगड़ी लॉबी थी और उसका मानना था कि बीजेपी को लोकसभा में 160 से 180 सीटें मिलेंगी, जिसे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मंजूर नहीं करता था। तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के तीन उम्मीदवार उभर के सामने आए। सुषमा स्वराज, जिनको लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सहयोगियों का समर्थन हासिल था। दूसरे थे नितिन गडकरी, जो संघ के पसंदीदा और संघ के कर कमलों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन संघ के समर्थन के बावजूद भी अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल हासिल नहीं कर सके। और तीसरे उम्मीदवार थे तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह। तीनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन एक बात पर तीनों में सहमति हुई, वह था नरेंद्र मोदी का विरोध। उस वक्त गडकरी बीजेपी में मोदी से बड़े चेहरे थे और वो मानकर चलते थे कि अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल भी उन्हें ही मिलेगा और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में होगी। लेकिन पूर्ति घोटाले की खबर ने उन्हें दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने दिया, जिसके लिए वे अपनी ही पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार मानते थे और उन्हें लगता है कि इससे न केवल उनका अध्यक्ष पद गया बल्कि प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी उनके हाथ से निकल गया। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जिक्र अपनी पार्टी की अंदरूनी राजनीति की ही कर रहे थे, जो सोचने लायक विषय है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विधायक सांसद हारते हैं तो जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष की ही होती है। शायद वह ये भूल गए होंगे कि उन्हीं के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भाजपा की दो दशकों में सबसे बुरी हार उत्तर प्रदेश में मिली थी। गडकरी से अमित शाह और मोदी की लगभग बनी नहीं। नितिन गडकरी के अध्यक्ष रहते हुए यूपी के चुनाव हुए थे। उस वक्त नितिन गडकरी ने संजय जोशी को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया था, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने धमकी भी दी थी कि अगर संजय जोशी को नहीं हटाया गया तो चुनाव प्रचार के लिए वे नहीं आएंगे। पर गडकरी ने किसी की नहीं सुनी। अब बात करते हैं गडकरी और शाह की। वक्त था गुजरात दंगों के बाद का, जब अमित शाह को गुजरात से बाहर कर दिया गया था, यानी कि तड़ीपार कर दिया गया था। तब बीजेपी के अध्यक्ष थे नितिन गडकरी और जब अमित शाह अध्यक्ष से मिलने जाते थे तो उन्हें घंटों बाहर इंतजार करवाया जाता था। उस समय शाह के बुरे दिन चल रहे थे। गडकरी महाराष्ट्र से उठकर अचानक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। पर कहते हैं ना कि समय का चक्र घूमता है और वक्त आया, शाह बन गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराष्ट्र के चुनाव हुए और गडकरी मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन अमित शाह को ये बर्दाश्त नहीं था और अपने सामने नितिन गडकरी, जिसे बच्चा मानते थे, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर वक्त बदल रहा है और पांच राज्यों के नतीजों के बाद यह आम चर्चा हो गया है कि मोदी का जादू पहले जैसा नहीं है। माना जा रहा है कि भाजपा की सीटें भी घटेंगी और कांग्रेस की बढ़ेंगी, जिसको लेकर गडकरी के मन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना जाग उठा है और वह एक नए खेमा तैयार करने में लग चुके हैं। और शायद यही वजह है कि वह अब खुलकर मोदी के और शाह के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। पर सवाल अब यह है कि गडकरी की यह पेशकदमी कितनी दूर तक जाती है।
सवाल यह भी है कि अमित शाह की ओर से कोई जवाब आता भी है या नहीं। जो भी हो, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपनी दावेदारी का इरादा तो जाहिर कर ही दिया है।